हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट गेम कंपटीशन में। दोस्तों, जैसा कि इसका फॉर्म यूपी टेट का फॉर्म है, अनाउंस हो गया है कि 18 मई से फॉर्म भरा जाएगा और जिसकी 25 जुलाई को आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। 25 जुलाई को सॉरी दोस्तों 25 जुलाई को आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा और 18 मई से आपका फॉर्म भरा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इसका नया सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, जैसा कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2020 की तिथि है 25 जुलाई 2021। प्रथम पाली में होगा और द्वितीय पाली में होगा। प्रथम पाली में जो होगा प्राथमिक स्तर पर होगा और द्वितीय पाली में उच्च प्राथमिक स्तर पर होगा। जो कि प्रथम पाली में जो होगा 10 बजे से 12:30 बजे तक और शाम को जो होगा दूसरी पाली में होगा 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। यानी कि 2.5 घंटे आपको समय मिल रहा है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और दोस्तों, जो कि आपकी आंसर की है वो आंसर की है आपकी जो 27 जुलाई को अपडेट हो जाएगी, आपके जो कि वेबसाइट होगा उससे अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें जो सिलेबस इसका है वह बाल विकास है। बाल विकास में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं बाल विकास से और हिंदी से 30 क्वेश्चन आते हैं और आपका संस्कृत हो गया, गणित हो गया, जिससे 30-30 क्वेश्चन संस्कृत और गणित से भी पूछे जाते हैं दोस्तों। और आपका लास्ट होता है पर्यावरण, पर्यावरण से भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होते हैं। SC ST OBC के लिए 82-82 नंबर होता है क्वालिफाइड मार्क्स और 90 नंबर होता है जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, जिसका एग्ज़ाम है 25 जुलाई को, यानी कि समय बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा समय है, 3 से 4 महीने का समय है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो दोस्तों, अभी से पढ़ाई में लग जाएँ और यूपी टेट आपने क्लियर कर लें। जैसे आप यूपी टेट क्लियर करते हैं उस तरह से आपके 55,000 वैकेंसी निकलने वाली है। अगर आप यूपी टेट क्लियर हो जाएगा तो आप इस फॉर्म को जो आपका सुपर टेट निकलेगा उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, देखो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट आती रहेगी डेली डेली यूपी टेट के लिए दोस्तों।